नमस्कार, न्यूज वर्ल्ड इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। गाजीपुर में सांसद अफजाल अंसारी जांगीपुर विधानसभा में सड़क के उद्घाटन कार्यक्रम में पहुंचे थे और वहां पर केंद्र और प्रदेश सरकार पर हमला बोला। बुलडोजर वाले सवाल पर पलटवार करते हुए कहा कि सबसे ज्यादा बुलडोजर गाजीपुर में चला, जिसका प्रतीक विधानसभा में देखने को मिला, अब आसपास के जिलों में लोकसभा चुनाव में देखने को मिलेगा। और साथ ही उन्होंने अडानी और अंबानी को दोगला अंग्रेज कहते हुए जोरदार हमला किया और कहा कि इन्हें दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति कहा जाता है, लेकिन इन लोगों ने दुनिया में सबसे ज्यादा कर्ज लिया हुआ है और दोनों को मिला दे तो ये लोग शून्य हो जाते हैं। बुलडोजर का प्रतीक विधानसभा में देले बा। विधानसभा से पहले सबसे बेसी बुलडोजर गाजीपुर चलल। अब विधानसभा में गाजीपुर का जनता बुलडोजर प्रतीक के प्रतीक मान के अब योगी जी का पेट भर देते हैं। आज लोकसभा जना बता तो अगलो बगल में चाहे चंदौली, चाहे सोनभद्र, चाहे भदोही, चाहे मछली शहर और जो बच गई थी सीट बलिया सलेमपुर, अब यो सीट बचा लें तो बहुत बड़ी बात है। को दर्द हो रही है, नहीं होनी चाहिए। मैं 2019 का चुनाव गठबंधन के उम्मीदवार की हैसियत से लड़ा था। यूपी के फतेहपुर में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लाभार्थियों को आवास की चाबी देने आई केंद्रीय मंत्री ने केंद्र और प्रदेश सरकार पर योजनाओं की जानकारी कार्यक्रम में आए लोगों को दी है। और साथ ही उन्होंने कहा है कि यूपी में 3 लाख लोगों को आवास देने की योजना सरकार की है। फतेहपुर जिले में एक दिवसीय दौरे पर आई जिले की सांसद और केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति के तेलियानी ब्लॉक परिसर में प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों को आवास की चाबी सौंपी और 2 लोगों को मनरेगा में अच्छा कार्य करने पर प्रमाण पत्र दिया। केंद्रीय मंत्री ने आवास की चाबी लाभार्थियों को देने के बाद कहा कि यूपी में 3 पात्र लाभार्थियों को आवास देने का लक्ष्य तय है, जिसमें फतेहपुर जिले में 1 लाभार्थी को लाभ मिल चुका है, तो यूपी में कितने आवास आए होंगे। श्रावस्ती के थाना इकोना क्षेत्र के मोहनी नगर के पास बाइक सवार अनियंत्रित होकर मवेशी से टकरा गई और बाइक सवार भाई बहन घायल हो गए और बहन गंभीर रूप से चोटिल बताई जा रही है और डॉक्टरों ने हालत गंभीर देख बहराइच भी रेफर कर दिया है। बता दें आपको कि बहराइच से इकोना वापस आते समय ये बड़ा हादसा हो गया। फिलहाल घायल बहन का इलाज चल रहा है। ललितपुर जनपद के ही बहुचर्चित पाली रेप कांड से जुड़े अभियुक्त ने जेल के अंदर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। 29 वर्षीय कैदी राजभान अहिरवार पर आईपीसी की कई धारा और पोक्सो एक्ट का जो कई धाराएं जो थी वो लगी हुई थी और इसको लेकर ही आपको बता दें कि जिसकी पहले भी जमानत याचिका खारिज हो चुकी थी। जमानत याचिका हो जाने के आरोपी युवक पिछले कुछ दिनों से परेशान चल रहा था और बता दें आपको कि आरोपी युवक के न्यायालय में थी तारीख भी थी और 8 महीने से जेल में बंद मृतक कैदी ने फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली है। ललितपुर जनपद के थाना पाली बहुचर्चित रेप कांड में नाबालिग को भगाकर ले जाने और अपने साथ रहने और दुष्कर्म करने के मामले में आरोपी युवक पिछले 8 महीने से ललितपुर के ही जिला कारागार में बंद था और इसी मामले में थाना पाली SHO तिलकधारी सरोज पर भी दुष्कर्म का आरोप लगा था और उन्हें दोषी भी माना गया था। मैनपुरी के थाना करहल क्षेत्र के गांव मदरावली में निसंतान महिला को बच्चे को खिलाना महंगा पड़ गया है। बच्चे पक्ष के लोगों के ऐतराज जताने पर लोगों पक्ष जो थे वो आमने सामने हो गए और दोनों पक्षों में जमकर लाठी डंडे भी चले हैं। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर अब जमकर वायरल हो रहा है। पुलिस ने दोनों ही पक्षों की तहरीर पर दोनों पक्षों में 4-4 लोगों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। ये थाना करहल के मदरावली गांव का एक मामला आया है। इसमें पारिवारिक हैं और उनमें आपस में एक बच्चे को खिलाने को लेके झगड़ा हुआ है। एक निसंतान महिला थी जो एक बच्चे को अपने गोद में लेके खिला रही थी, दूसरा पक्ष झगड़ा करने लगा।
फिर दोनों पक्ष के काफ़ी लोग इकट्ठे हो गए, उनमें लात घुसे लाठी डंडे से काफ़ी मारपीट हुई है, दोनों पक्षों को चोटें आई है, उनका मेडिकल कराया जा रहा है, दोनों पक्षों से तहरीर आई है, इनका अभियोग दर्ज कर लिया गया है और इसमें विधि कार्रवाई की जा रही है। किसी की गिरफ्तारी भी हुई है? अभी गिरफ्तारी नहीं हुई है, इसमें चोटें आई है इनको, इनके मेडिकल के आधार पर अभियोग दर्ज कर लिया गया और इसमें तत्काल विधि कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। सर कितने लोग थे दोनों? दोनों पक्षों ने चार चार लोगों के खिलाफ अभियोग दर्ज कराया है थाना करहल में और साक्ष के क्रम में इनकी इसमें चिकित्सा से विधि कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। उन्नाव जिले के हुसनगंज तहसील क्षेत्र में 3 दशक से किसानों को नहर का पानी नहीं मिल पा रहा है। करीब 4 किलोमीटर लंबे माइनल नहर की सफाई करीब 30 सालों से नहीं हुई है, जबकि इस 4 किलोमीटर माइनर से 5 गांव के किसानों के खेतों में पानी न पहुंचने से भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है और सरकार ने किसानों को खेती करने के लिए माइनर नहर बनवाया था ताकि आसानी से किसानों के खेतों में पानी पहुँचाया जा सके। माइनर की साफ सफाई न होने पाने पर 5 गांव के सैकड़ों किसानों की फसलें हर साल चौपट हो रही हैं और कुछ किसान मजबूरन इंतजार करते हुए नजर आ रहे हैं। अपनी फसलों की सिंचाई करनी उनको मुश्किल पड़ रही है, जिसके चलते किसानों ने मुनाफे की बजाय नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। ग्राम प्रधान ने कई बार किसानों के हो रही पानी की समस्याओं को लेकर आला अधिकारियों को लिखित और मौखिक तौर पर शिकायत की है, लेकिन हालात बदलने का नाम नहीं ले रहे हैं। अधिकारियों ने अपनी आंखों पर काली पट्टी बांध रखी है, किसानों की समस्या को अनदेखा किया जा रहा है। नहर की समस्या के विषय में यह है कि हमारे यहाँ जो पूरी हमारी ग्राम सभा थी, ये नहर के पानी पर ही एकदम डिपेंड थी। आज का माहौल यह है कि लगभग हम 30 सालों से कहेंगे हम खुद पानी लाते थे और नहर की पटरी इस समय तो चलने के काबिल ही नहीं, हम लोग नहर नहर जाते थे मौला तक और दौड़ते थे पानी लाते थे, लेकिन आज नहर की पटरी ही चलने के काबिल नहीं। यहाँ तक सफाई भी जो होती है तो हम तो यही अपने शब्दों में कहेंगे, वो बंदर बाट के द्वारा उल्टा सीधा हो जाती है। साहब, मैंने कई उच्च अधिकारियों को, DM महोदय को और एक्सचेंज साहब को और अपने SDM महोदय को जो है लिखित अप्लीकेशन कई बार दिया है, हमारे यहाँ 30 वर्ष से पानी नहीं आया, जिससे हमारे यहाँ जो किसान है जो बाग की बागवानी करता है, आलू का प्रोडक्शन होता है, गेहूँ का, इससे हज़ारों किसानों को पानी नहीं मिल पा रहा 30 सालों से, और इस प्रयास में प्रयासरत हैं कि हमारे किसानों को जो है पानी मिल जाए, इसी मुहिम में लगा हुआ हूँ। हाँ, बीघे का तो आकलन मैं नहीं कर सकता क्योंकि एक बड़ा क्षेत्र है, अनुमानित हम कह सकते हैं हजारों किसान इससे हैं लाभान्वित होंगे, जिससे हमारी ग्राम पंचायत के जितने भी मजरे हैं, हमारी ग्राम पंचायत और यहाँ तक कि मऊला के लोगों को भी और जो अगल बगल जो नालियों साइडों नालियों में जाता है और अन्य ग्राम पंचायतों को भी लाभ पहुंचाने का काम मिलेगा। हरदोई में सीतापुर रोड पर एक कार अनियंत्रित होकर पेड़ से टकराने के बाद खाई में जा गिरी और जिससे कार सवार एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसके 3 अन्य साथी घायल हो गए हैं, जिनसे 2 को जिला अस्पताल में और 1 को इलाज के लिए लखनऊ मेडिकल कॉलेज भेजा गया है। घटना से परिजनों में कोहराम मचा हुआ है और भीषण सड़क हादसा कोतवाली तड़िया गाँव इलाके का बताया जा रहा है। और आपको बता दें कि सीतापुर रोड पर हुई ये घटना है और बताया ये भी जाता है कि कछोना कोतवाली क्षेत्र के टिकारी निवासी सुनील कुमार 45 वर्षीय पुत्र राजाराम अपने 3 दोस्तों इस्तकीम 25 और इसके साथ ही पुत्र रहीस निवासी उमरारी बेनीगंज और गोरे सिंह 30 और इसके साथ ही कमलेश 35 के साथ हरदोई आए थे और यहाँ से देर रात अभी सभी एक कार में ही हरदोई से बेरीगंज जा रहे थे। इटोली पुलिस चेक पोस्ट के पास ही अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गई और जिसके बाद आपको बता दें कि कार खाई में जा गिरी। हादसे में सुनील की मौके पर ही मौत हो गई जबकि सतकीम को लखनऊ रेफर किया गया है। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने सबको गाड़ी से निकलवाया है और इसके साथ ही घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल भी भेज दिया है। पुलिस ने शव का पंचनामा भर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। जा रहे थे हरदोई की तरफ से बेनीगंज होके संडीला जा रहे थे और ये हादसा रात में हुआ है, जिसमें जो चालक थे
उनका सुनील नाम है, कछौना के रहने वाले थे, इनकी मृत्यु हो गई है। 3 अन्य लोग घायल हैं जो खतरे से बाहर हैं। किस वाहन वगैरह से थे? ये कार से जा रहे थे और इनकी कार जो है पेड़ से टकरा गई है और इसमें कारणों का पता लगाया जा रहा है। जो घायल है उनका इलाज चल रहा है। जो सुनील जो इनकी मृत्यु हो गई है इनका पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। हरदोई के अरवल थाना इलाके में असले के साथ फोटो वीडियो रील सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। 4 युवकों के द्वारा बनाए गए फोटो वीडियो रील सोशल मीडिया पर सामने आने के बाद से अब पुलिस इस मामले की कार्रवाई की बात कर रही है। हरदोई में अब असले को एक साथ फोटो वीडियो सोशल मीडिया पर लगाने का जबरदस्त क्रेज देखा जा रहा है, जिसके चलते ऐसे लोगों के विरुद्ध मुकदमे भी दर्ज किए जा रहे हैं। लेकिन लोग ऐसी हरकतों से परहेज नहीं कर रहे हैं और ऐसा ही एक और मामला सामने आया है जो अरवल थाना क्षेत्र का है और इस थाना के निवासी 4 युवकों ने असले के साथ फोटो खिंचवाई और फिर उनको वीडियो रील बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। इनमें नरेंद्र यादव, अभी यादव, राव विनीत यादव और विवेक यादव की फोटो वीडियो सामने आई है। एएसपी दुर्गेश कुमार सिंह ने बताया है कि मामले में कार्रवाई की जा रही है। वीडियो है जिसमें 4 लोग मतलब वो फोटो क्रॉप करके बनाया गया है, फोटो ही है जिसको वीडियो का रूप दिया गया है। उसमें 4 लोगों को दिखाया गया है जो कि असलहे लिए हुए हैं। इसमें एक व्यक्ति की पहचान की गई है जो अरवल के निवासी है और इसकी जांच की जा रही है। इसमें अभियोग पंजीकृत किया जाएगा। ये भी जानकारी में आया है कि उस व्यक्ति के पास उसके पिता के नाम एक लाइसेंसी असलाह भी है, तो इसमें अग्रेतर विधिक कार्रवाई की जा रही है। काशगंज में पुलिस और एसओजी टीम को बड़ी सफलता मिली है। मुठभेड़ के बाद जेपी गैंग के 4 सदस्य गिरफ्तार हो चुके हैं और एक फरार बताया जा रहा है। गिरफ्तार गैंग से 1,28,000 की नकदी, लाइसेंसी चोरी की बंदूक और 3 तमाचा, भारी मात्रा में कारतूस सहित सफेद धातु के आभूषण बरामद किए गए हैं। पटियाली कोतवाली क्षेत्र के अलीपुर दादर के समीप से ये आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। काशगंज से आपको खबर बता रहे हैं जहाँ पर पुलिस की सफलता सामने आई है। बता दें आपको कि पुलिस और एसओजी की टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां पर आपको ये भी जानकारी दे दें मुठभेड़ के दौरान ही 4 सदस्य गैंग के गिरफ्तार किए गए हैं। वहीं एक फरार बताया जा रहा है, उनके पास से कई कारतूस भी बरामद किए गए हैं। उन्नाव के बांगरमऊ कोतवाली क्षेत्र के संडीला मार्ग RS 84 के पास तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने बाइक सवार को रौंदा और जिसके चलते उसकी मौत हो गई है। साइकिल बस सवार अधेड़ की घटना स्थल पर ही दर्दनाक मौत से हड़कंप मच गया है और घटना की सूचना पर मौके पर ही पहुंचे पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। तो उन्नाव से आपको खबर बता रहे हैं जहां पर अधेड़ की मौत की खबर सामने आई है। बताया जा रहा है कि अज्ञात वाहन ने ही साइकिल सवार को टक्कर मार दी थी, जिसके बाद उसकी मौके पर ही मौत हो गई और आरोपी मौके से फरार बताया जा रहा है। हरदोई में कलेक्ट्रेट परिसर के धरना स्थल पर उत्तर प्रदेश संयुक्त रसोईया मोर्चा के बैनर तले मानदेय बढ़ाने समेत 11 सूत्रीय मांगों को लेकर जिले की रसोईया ने धरना प्रदर्शन किया है और मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन सिटी मजिस्ट्रेट को सौंपा है। प्रदर्शन के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को संबोधित ज्ञापन मजिस्ट्रेट को दिया गया, जिसमें बताया गया कि विद्यालयों के मध्यान्ह भोजन योजन के अंतर्गत ही लगभग 4,00,000 कार्यरत महिला पुरुष रसोइयों की समस्या और मांगे काफी समय से लंबित चल रही हैं और धरना प्रदर्शन कर रही हैं। रसोइयों का कहना है कि प्रदेश में 4,00,000 कार्यरत रसोइयां रोजाना प्रातः 9 बजे से 3 बजे तक कार्य करते हैं, जिसमें मिड डे मील बनाकर बच्चों को देना और इसके साथ ही बर्तन धुलना, रसोइयों घर, हैडपम्प, राशन कमरा, बरामदा, स्कूल प्रांगण की साफ सफाई और झाड़ू पोछा करना, पेड़ पौधों, सब्जी गार्डन की निगरानी करना, सिंचाई करना, अन्य काम जो है उसमें शामिल बताए जा रहे हैं और इन सभी को 2,000 रुपये प्रति माह मानदेय दिया जा रहा है, जिसे बढ़ाकर करीब 10,000 किया जाए। रसोइयों को कहना है कि उन्हें भी शिक्षा मित्र की भांति वेतन दिया जाए, मिड डे मील में ठेकेदारी प्रथा और निजीकरण बंद किया जाए, आकस्मिक और मार्तमिक प्रस्तुति का अवकाश दिया जाए। रसोइयों ने 11 सूत्रीय मांग पत्र जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को भेजा है।
इसलिए धरना के हैं, हम लोगों को सबसे पहले मानदेय हम लोगों को बहुत कम दिया जाता है, अल्पसंख्या पर हम लोग काम करते हैं। 9 बजे से हम लोग 3 बजे तक स्कूल में 6 घंटा करीब काम करते हैं, 6-7 घंटा काम करते हैं, लेकिन हम लोगों को अल्पसंख्यक मानदेय दिया जाता है केवल 2000 रुपये मात्र। हम लोगों को मानदेय कम से कम 10,000 दिया जाए तब रसोइयों का पेट भरे कम से कम। सारा काम झाड़ू पोछा बर्तन चौका किचन गार्डन साफ सफाई सारा, मतलब स्कूल बंद करना खोलना सारी चीज़ें रसोइयों पर हैं, तो इतना कम बेहद मानदेय दिया जाता है, इतने में पेट नहीं भरता है। सरकार इस पर कोई विचारे नहीं कर रही है, हम लोग कहाँ जाएंगे इस तरीके से। किसको ज्ञापन? आज हमारा ज्ञापन प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री के 3 ज्ञापन हमारे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी को है, माननीय प्रधानमंत्री जी को है, माननीय शिक्षा मंत्री जी को है। 3 ज्ञापन आज हम शासन को भेज रहे हैं। हमारा नाम है राम कुमार गौतम, जिला अध्यक्ष रसोइयां। हमारी मांगे ये हैं कि हमारी रसोइयों को वेतन बढ़ना चाहिए, कम से कम 10,000 रुपये होने चाहिए, क्योंकि हमारी रसोइयां इतनी मेहनत करती हैं जो इन लोगों को, बच्चों का अपना पेट नहीं भर पा रही हैं, बच्चों को कुछ खिला नहीं पा रही हैं, क्योंकि इतनी महंगाई हो गई है जो बच्चों को कहाँ से खिलाएं कहाँ से लाएं। हर महीने वेतन भी नहीं मिल रहा, 4-4 महीने बाद वेतन आ रहा, हर महीने इन बच्चों, इन लोगों को, हमारी महिलाओं को 1 महीने का, हर महीने का सैलरी मिलनी चाहिए। और हम लिए इसलिए कहते हैं कि भाई हमारी रसोइयाँ बहुत मेहनत करती हैं, इतनी मेहनत करती हैं कि शायद अपने घर में औरतों अपना परिवार नहीं चला पा रही हैं, जो 150-150 बच्चों को खाना बना के खिलाती सर्दियों में, और इनको मास्टर लोग कुछ भी नहीं सोचते कि इन लोगों का क्या होना चाहिए। अगर हर महीने सैलरी मिलनी, जब तक सैलरी आती है तब तक तो ये कर्जे पे हो जाती हैं, इतना पैसा लेती हैं कि कर्जे पे लद जाती हैं, बच्चों को नहीं खिला पा रही हैं, इस समय 30 रुपये में आलू चल रहे हैं, जो बच्चों क्या करें, महिलाएं क्या करें। मुरादाबाद में धू-धू करके विद्युत विभाग का ट्रांसफार्म जलने लगा और उसका उपरांत ही बिजली विभाग का कोई कार्य अधिकारी जो था, कोई कर्मचारी मौके पर नहीं पहुंचा। आपको बताते चलें कि लोगों और इलाके के लोग अपने अपने मोबाइल से ये वीडियो बनाते हुए जरूर दिखाई दिए हैं। पूरा मामला आपको बता दें कि ताजपुर अंडरपास के पास जामा मस्जिद रोड पर जलते ट्रांसफार्मर का ये वीडियो है, जहाँ पर बताया जा रहा है कि स्थानीय लोग वहां पर पहुंचे लेकिन किसी ने भी इसकी सूचना नहीं दी और ट्रांसफार्म जलता रहा और लोग देखते रहे। पुलिस लाइन के परेड ग्राउंड में उपस्थित समस्त अधिकारी कर्मचारी गणों को दंगा नियंत्रण के संबंध में सशस्त्र परीक्षण का अभ्यास कराया गया। सहारनपुर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विपिन ताडा के द्वारा ही पुसलिंग को ही प्रभावी बनाने के उद्देश्य से पुलिस लाइन में परेड ग्राउंड में उपस्थित समस्त अधिकारी कर्मचारी गणों को दंगा नियंत्रण उपकरणों के संबंध में सशस्त्र परीक्षण का अभ्यास कराया गया है और सशस्त्र संचालन, उनकी प्रति उपयोगिता, सशस्त्र खोलने और उसके साथ ही बंद करने और साफ सफाई के संबंध में आवश्यक निर्देश दिए गए हैं। सुबह सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर बस्ती पहुंचे। उन्होंने अपनी पार्टी के 3 साल के सदस्य के बदले सुरक्षा वाले बयान पर कहा कि लोग बाल की खाल निकाल रहे हैं, हमारी पार्टी का सदस्य शुल्क 10 रुपये है, हम 10 रुपये में सदस्य बनाते हैं तो 3 साल की गारंटी लेते हैं और 3 साल के अंदर कोई भी आपका दुख जो है वो सुख होगा और दुख होगा सुख होगा, हमारा नेता आपके यहाँ आएगा और हम इसलिए लोगों को समझाते हैं, हम जातिगण जनगणना चाहते हैं, हम एक समान अनिवार्य फ्री शिक्षा, गरीबों को फ्री शिक्षा के लिए आपका सहयोग चाहते हैं, हम प्रदेश में शराबबंदी, घरेलू बिजली फ्री के लिए आपका सहयोग चाहते हैं, अगर ये चीज़ सही है तो हमसे जुड़िए और 10 रुपये का सदस्य बनिए, 3 साल तक आपके सुख दुख में हमारे नेता आते जाते रहेंगे, आपको तेल का पैसा नहीं देना पड़ेगा। देखिए, बेशक राहुल जी मेहनत कर रहे हैं, बेशक मेहनत कर रहे हैं और उसका रिजल्ट उनको मिल रहा है, एक माध्यम है पार्टी को जनता के बीच में उसी के माध्यम से अपना संदेश जनता तक पहुंचाने का, तो जहां तक पहुंचा रहे हैं तहां तक उनको सहयोग मिल रहा है। 2024 में वापसी हो सकती है राहुल जी की? जी। कहां? सत्ता में।
तो बस्ती से खबर आपको बता रहे थे, ओम प्रकाश राजभर बस्ती पहुंचे जहां पर उन्होंने बयान देते हुए साफ तौर पर कहा कि 3 साल की उन्होंने गारंटी साफ तौर पर ले ली है। यूपी के श्रावस्ती जिले के ककरदरी रेंज में तैनात रेंजर भास्कर प्रसाद पांडे की पत्नी मंजू पांडे के संदिग्ध हालत में मौत हो गई है और वहीं रेंजर भास्कर प्रसाद पांडे की हालत नाजुक बताई जा रही है, जिन्हें नाजुक हालत में लखनऊ रेफर किया गया है। रेंजर अपनी पत्नी के साथ डीएफओ कार्यालय कैंपस में मौजूद आवास में रह चुके थे। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। श्रावस्ती जिले के ही ककरदरी रेंज में तैनात रेंजर भास्कर प्रसाद पांडे और उनकी पत्नी मंजू पांडे को संदिग्ध परिस्थितियों में बेहोशी की हालत में जिला अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में लाया गया था, जहां डॉक्टर ने उनकी पत्नी मंजू पांडे को मृत घोषित कर दिया, जबकि रेंजर भास्कर पांडे की हालत नाजुक देखते हुए लखनऊ रेफर कर दिया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। रेंजर भास्कर प्रसाद पांडे श्रावस्ती जिले के ककरदरी रेंज में रेंजर के पद पर तैनात थे, जो बिनघा डीएफओ कार्यालय के कैंपस में मौजूद आवास में अपनी पत्नी के साथ रह रहे थे। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।